आज जितनी भी गर्मी है ना सेलिब्रेट कर लो ये तो ठंडा है इसके आगे तो और गर्म ही होने वाला है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का लेवल इतना ऊपर आ जाएगा कि शायद से बॉम्बे एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारी लोकेशन बीच के इतने पास में है आप सोचिए एक फुट दो फुट अगर ऊपर आ जाए आपके रस्ते कहाँ गए हमारे देश के पॉलिटिशियंस इन सारी चीज़ों के ऊपर ज्यादा बात क्यों नहीं करते मुझे भी लगता है कि बाय 2030 देश के बहुत सारे लोग सोलर पावर को अपनाएंगे अडॉप्ट करेंगे हर घर जो सोलर जाता है उन्हें कुछ पैसे नहीं लगने सोलर जाने के एक मिडिल क्लास फैमिली एक डिसीजन से दस लाख रुपए बचा सकती है क्या हम सोलर एनर्जी बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकता है? विंड हाइड्रो न्यूक्लियर बाकी जो पावर की टेक्नोलॉजी में जितना इन्वेस्ट हो रहा है वो सब इकट्ठा करके उससे ज्यादा पैसा सिर्फ सोलर में इन्वेस्ट हो रहा है ये क्यों हो रहा है हम जो दूध का पैकेट है हम एक कॉर्नर कट करते हैं मैगी के पैकेट का जो एक ट्राइंगल से कॉर्नर कट करते हैं ना उसकी वजह से कितना पॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि वो बाकी पूरा जो पैकेट है ना बड़ा पीस वो रिसाइकल हो जाता है ये छोटे ट्राइंगल ना पकड़ में नहीं आते ये चले जाते हैं ओशन में दोस्तों इस दुनिया में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे ऑनेस्टली आपको थोड़ा सा डरना चाहिए आपको डर लगना चाहिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज हमारी हकीकत है हमारी रियलिटी है मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई क्लाइमेट चेंज की असलियत के बारे में जाने जिस शहर में मैं बैठा हूँ मुंबई शायद बीस तीस साल बाद पानी के नीचे डूबने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से कोलकाता में शायद ही होने वाला है केरला में शायद शादी होने वाला है भारत बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से ये दिमाग में रखिए इस पॉडकास्ट को सुनने से पहले पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय गवर्नमेंट ने हाल ही में हर घर सोलार नाम की एक मिशन अनाउंस करी है ये मेरी आपसे गारंटी है कि आने वाले 10-15 सालों में आपका घर भी सोलार पावर्ड होगा यानी कि सूरज की रोशनी से आपके घर की बिजली चलेगी दैट इज द बेसिक लॉजिक मैं चाहता हूं कि ये वाला पॉडकास्ट आप अपने पापा के साथ बैठकर कंज्यूम करें और जनरली फैमिली को एडुकेट करें क्योंकि आपके स्पेंड्स में आपके बिजली के बिल के डायनामिक्स में बहुत चेंजेस आने वाले हैं आने वाले पाँच दस पंद्रह सालों में प्लीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ एडुकेशन बेस्ड पॉडकास्ट है अगर आपको किसी डोमेन के बारे में ज़्यादा जानना है तो या तो साइंटिस्ट के पास जाइए या तो उस डोमेन के ऑन्ट्रप्रनोर के पास जाइए हमारे देश के एक लीडिंग सोलार एनर्जी ऑन्टरप्रेनोर नीरज जैन भाई ऑफ सोलर स्क्वायर आज हमें शांति से बैठकर एक बेसिक एबीसी से लेकर एक्स वाई जेड तक समझाएंगे सोलार पावर के बारे में एंजॉय टूडेज वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ ई आर एस टी आर एस के इस भयानक इन्फॉर्मेटिव और जरूरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है कैसे हो नीरज भाई बढ़िया एक्साइटेड वेरी एक्साइटेड आपका डोमेन बहुत ज़रूरी है दुनिया के लिए भारत के लिए स्पेशली पर आई फील दुनिया के लिए जनरली ऑल्सो बहुत जरूरी डोमेन है आ, भारत में ना अक्सर पैसों वाले पॉडकास्ट ज़्यादा सुनते हैं लोग फिर क्राइम वाले पॉडकास्ट सुनते हैं भूतप्रेत वाले पॉडकास्ट <laughs> पर दुनिया का सबसे बड़ा भूत प्रेत आज अकॉर्डिंग टू मी क्लाइमेट चेंज है ग्लोबल वार्मिंग है पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दुनिया में हो रहा क्या है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बारे में हर कोई थोड़ा बहुत जानता है पर एक पिक्चर ड्रॉड कर दीजिए कि आ, अगर हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं सोचा तो फिर 2035 तक 2045 तक जो 10 साल दूर है 20 साल दूर है मुंबई में दिल्ली में गुजरात में बंगाल में क्या होने वाला है सो so, मैं मुंबई की बात करूँ बंगाल की बात करूँ राइट uh, मैं आपको मेरा फ्रेम ऑफ माइंड बताता हूँ मैं मेरे पापा मम्मी के साथ में डिस्कस कर रहा था कि घर लेना चाहिए क्या एंड मैं पला बड़ा बॉम्बे में हूँ uh, कट्टर मुंबई आऊँ और मैं बोल रहा हूँ उनको कि नहीं यार यहाँ पे ना अगले 10 20 30 साल में तो चांसेस हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से पानी का लेवल इतना ऊपर आ जाएगा कि शायद से बॉम्बे एग्जिस्ट नहीं करेगा hmm. दस साल में दस में नहीं बट हाँ बीस तीस में आ, हमारी लोकेशन बीच के इतने पास में है यहाँ पे आप सोचिए एक फुट दो फुट अगर ऊपर आ गया आपके रास्ते कहाँ गए पूरी लैंड सब मस्ड है तो, तो जेन्यून रिस्क है ये बट ये क्यों हो रहा है एंड ये क्यों दुनिया इस पर स्लोली एक्ट कर रही है मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो जब आप और मैं स्कूल में थे हम एक सुनते थे कि ओजोन लेयर गायब हो रहा है हमारे अर्थ के ऊपर लाइक तेरह पंद्रह किलोमीटर दूर एक आ, ओजोन के केमिकल की लेयर है जिससे आ, सन की जो हार्मफुल किरणें हैं वो हम तक नहीं पहुंचे अगर वो पहुंची तो स्किन कैंसर होगा आ, पौधे मर रहे हैं हम जी नहीं सकते थे हुँ. राइट ये बहुत बड़ा एक Problem बहुत बड़ा इशू था नाइन्टीज में जब हम स्कूल में थे हमने वो प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया हमें लगता है कि यार मैंने दो बिजली के बल्ब एक्स्ट्रा चालू कर दिए ए ज़्यादा लगा दिया थोड़ा पेट्रोल वेस्ट कर दिया सामान वेस्ट कर दिया खाना वेस्ट कर दिया इससे क्लाइमेट चेंज विजुअलाइज नहीं होता क्योंकि लगता है कि हाँ कहीं दूर दूर ग्लेशियर है पहाड़ों में ना पानी बर्फ़ पिघल रही है हम फील नहीं कर पा रहे बट हकीकत यह है दैट पिछला साल 2023 ऑन रिकॉर्ड ह्यूमैनिटी का सबसे ज़्यादा गर्म साल था इससे भी ख़राब स्टिस्टिक हमारे लाइफ के मतलब ह्यूमैनिटी के लाइफ के मनुष्य जाति के पूरे जितने भी हम साल पीछे जाएं जो दस सबसे गर्म साल थे उसमें से नौ पिछले दस साल में थे पिछले डेकेड में एंड अगर एक फन तरीके से इसको देखें आज जितनी भी गर्मी है ना सेलिब्रेट कर लो ये तो ठंडा है इसके आगे तो अब और गर्म ही होने वाला है एंड इसके से हो क्या रहा है uh, जो भी हमारी जॉब्स हैं हम जिस जगह पे रह रहे हैं हमारी इकोनॉमी जिस चीज़ पे बिल्ट है हमारे बड़े शहर चले जाएंगे लोग घर चले जाएंगे एंड जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे uh, मैं टांग खींच रहा हूँ आपकी बट आप तो एच हो ठीक है आप तो कहीं रीलोकेट कर लोगे बट जो मिडिल क्लास है जो गरीब है वो कहाँ जाएगा उसके उसका तो एक घर है शायद से वहीं पर उसकी लोकल लाइवलीहुड मतलब वहीं पर वो कमाता है वहीं पर खाता है वो कहाँ जाएगा आप एक इंजीनियर हो ऑटोमेटिकली हमें कॉलेज में यही सिखाया जाता है कि एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट से सोचना चाहिए तो सल्यूशन की भी बातें करेंगे पर आई कि पहले इस प्रॉब्लम को गहराई से समझना चाहिए लोगों को uh, 2006 में सेवन में जब मैं एट्थ स्टैंडर्ड नाइन्थ स्टैंडर्ड में था तब ई वी एस हम पढ़ते थे स्कूल में एनवायरमेंटल स्टडीज़ आई जो नेक्स्ट जनरेशन आई जेनजीज उन्होंने एक्चुअली ई को अपनाया अपने दिलों में जेंजीज थोड़े ज्यादा एनवायरमेंटली कॉन्शियस होते हैं hmm. परस uh, right <laughs> yeah? चालीस साल बाद तब शायद उतना समय नहीं है अपने पास उतना समय नहीं है सो so, मैं सॉरी आपको मैं उतना, उतना समय नहीं है हमारे पास में क्योंकि अभी जो सारी कंट्रीज आपस में डिस्कस कर रहे हैं वो एक 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 मेट्रिक के ऊपर सोच रहे हैं कि 1.5 पॉइंट डिग्री सेल्सियस के ऊपर uh, टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि अगर ये बढ़ गया तो इर चेंजेस हो जाएंगे इ चेंजेस हो जाएंगे ओशंस में इ चेंजेस हो जाएंगे हमारे uh, प्लानट के टेम्परेचर में और इसके वजह से पूरा इको हिल जाएगा एंड वो वापस रिकवर नहीं कर सकते एक डिग्री चेंज की वजह से आधे डिग्री चेंज की वजह से पर लॉजिक क्या है मतलब आधे डिग्री चेंज की वजह से क्या क्या हो सकता है जैसे यहाँ पे आधा डिग्री चेंज होगा ना आ, पानी है ज़ीरो डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ है ज़ीरो डिग्री सेल्सियस पे ही पानी भी है वो बर्फ़ अगर पिघल गई तो वो ओशंस में आ, खारा पानी होता है खारा पानी में प्योर वाटर अगर टल गया डल गया तो उनका बैलेंस हिल के आ, फिशेस को समझ नहीं आ रहा है कि मैं आ, मैं स्विम नॉर्थ में करूं साउथ में करूं ओशन में करंट्स होते हैं हमने एल नीनो करके अगर आपको लोगों को पता हो कि आ, हर पाँच साल में मेरे ख्याल से हाँ मतलब ये बड़े अपने पैसिफिक ओशन में अटलांटिक ओशन में हवाएँ जो घूमती रहती हैं क्लाउड्स जिससे फॉर्म होते रहते हैं आ, ये करंट ही बदल जाएंगे आप सोचिए सिंपल सा इम्पैक्ट है इंडिया में बारिश कितने महीने होती है तीन चार महीने होती है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जून से सेप्टेम्बर बारिशें होंगी अगर नहीं हुई तो जो हो रही है आजकल जो हो रही है नहीं तो आप करोगे क्या तीन साल इमेजिन कर लो आपको पानी नहीं आ रहा खेती नहीं हो रही खाना नहीं है अमीर तो चलो खा रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा लगा लगा के बट वट इज हैपनिंग टू द पब्लिक एंड मैं तो उल्टा अमीरों को ये बोलना चाहूँगा जब भी ऐसा होता है ना जब बहुत लोगों के पास में कमी है एंड uh, सिर्फ जो अमीर हैं वो बहुत रिसोर्सेज लेके कर बैठे तब होता है आंदोलन तब आता है रेबिलियन सो hmm. so, समय अभी है अक्ल लगा लो अमीर हो गरीब हो हेल्प अपने अपने देश अपने प्लानट के लिए एक्ट अभी करना शुरू करें हम लोग सो so दैट हमें वो रेबलियन के थ्रू जाना ना पड़े एंड uh, uh, इसको डिस्टोपियन व्यू बोलते हैं uh, जहाँ पे uh, सब कुछ खराब हो रखा है और उसमें लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं एंड यूटोपियन ये है कि सब अच्छा होगा पर हम डिस्टोपिया की ओर चले जा रहे हैं हम वो क्रिएट कर रहे हैं और हमारे पास में होप है आ, अभी एंड uh, मैं क्योंकि दिन भर इस चीज़ पर काम करता रहता थो, थोड़ी सी टेंडेंसी हो जाती है एक ब्लीक आउटलुक की बट uh, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि आज हमारे हाथ में वो चांस है uh, कि हम ये चेंज रिवर्स कर पाए माइंड uh, मैनकाइंड कभी कम नहीं पड़ी है हमें हमें बहुत सारी दिक्कतें हैं जब इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी सिक्सटी सेवेंटीज़ में ये था कि भूखमरी आएगी तब हमारे साइंटिस्ट हमारे स्टोरी टेलर्स हमारे पॉलिटिशियन हमारी हमारी कंट्री सब सब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए ग्रीन रेवोल्यूशन आया वाइट रेवोल्यूशन आया अभी भी आएगा एंड इसीलिए मतलब ये भले इलेक्शन का साल है मुझे पता है जो भी अभी गवर्नमेंट्स खर्चा कर रही हैं गवर्नमेंट अब बोल रही यार अब खर्चा करें ना वोट जीतेंगे ना अब हम क्लाइमेट चेंज पे वोट जीतेंगे मैं आपको इसका अगर एग्जांपल दूं ऑस्ट्रेलिया में जो गवर्नमेंट अभी पावर में आई है वो क्लाइमेट चेंज के मैंडेट पर आई है आ, और ये कुछ सालों में हमें हर देश में दिखेगा बिकॉज पब्लिक uh, अभी मांगे कि हमारी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है बहुत ही ऑर्ड स्टडीज दूंगा हम जो दूध का पैकेट है हम एक कॉर्नर कट करते हैं हम मैगी के पैकेट का जो एक ट्रायंगल से कॉर्नर कट करते हैं न उसके वजह से कितना पोल्यूशन हो रहा है बताऊं क्यूं? क्यों क्योंकि वो बाकी पूरा जो पैकेट है ना बड़ा पीस वो तो रिसाइकल uh, हो जाता है ये छोटे ट्राइंगल ना पकड़ में नहीं आते ये चले जाते हैं ओशन में ये कहीं ट्रैप नहीं होते ये छोटे ट्राइंगल अभी किसने सिखाया नहीं वो तो किसी पॉडकास्ट पे देख लिया मैंने मुझे समझ में आया अब मैं यू नो you know, अलग तरीके से कट कर रहा हूँ छोटे छोटे प्लास्टिक के पीस पकड़ नहीं रहा बट इतनी छोटी चीज़ें जो जो हम प्लास्टिक के स्ट्रॉ यूज़ करते थे बीच में बॉम्बे में मुहिम निकाली थी सारे सिनेमा हॉल में आप प्लास्टिक का स्ट्रॉ यूज़ नहीं करोगे पेपर का करोगे छः महीने तक तो ये चीज़ अच्छे से फॉलो हुई फिर रिवर्स होगी मतलब लोग अभी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं हाँ गवर्नमेंट अलाउ कर रही होगी कुछ ना कुछ तो एंड पुल हुआ होगा इंडस्ट्रीज़ uh, और गवर्नमेंट uh, के बीच में बट बट यहीं पे हमें जो वो सपोर्ट करें थोड़ी सी कठिनाई खुद बेयर कर लो आई थिंक खाने पे तो अलग ही दिक्कत है कि हम इतने पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हैं बट जो भी खाना वेस्ट हो रहा है uh, अगर हम कम हम कम कंज्यूम करना अगर हम वेस्टेज हम अगर कम करना अगर वो पॉसिबल हो पाया uh, उसकी वजह से मतलब पूरा जो एग्रीकल्चर है हमारी इतनी पॉपुलेशन जो अटकी पड़ी है जो खाने की कमी है इन्फ्लेशन जिस वजह से होता है आ, वो कम होना पड़ेगा बट ये आई थिंक मुश्किल है और ये जब ना मतलब आ, क्या बोलते हैं लास्ट रिसोर्ट वाला प्रॉब्लम आता है ना तब गवर्नमेंट हम पे इंसेस्ट करते अरे चाइना में हुआ आई डोंट नो आपने तीन चार साल पहले देखा होगा चाइना ने बोला आप खाना इतना वेस्ट ही नहीं कर सकते आपको आपको जेल में डालेंगे चाइना में तो ये होता है जेल में डालेंगे आपको आपको टैक्स ज़्यादा लग जाएगा बट उन्होंने इस हद तक उन्हें जाना पड़ा हमारे तो हम स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं चाइना में वो लोगों का क्या खाना खा सकते हो नहीं खा सकते हो उन्हें इंसिस करना पड़ रहा था वो भले कितने भी डिक्टेटोरियल कंट्री में है कोई ये करना नहीं चाहता क्योंकि पब्लिक आपके अगेंस्ट रिवोल्ट करेगी बट चॉइस नहीं बची आप कितना खाना खा सकते हो कितना खाना वेस्ट कर सकते हो इस हद तक गवर्नमेंट को घुसना पड़ा किसी और देश में किसी हमारे यहाँ भी घुसना पड़ेगा अगर हमने खुद से वो चीज़ें नहीं बदली तो एंड uh, हम रात को ए लगा रहे हैं अब मुझे लगता है कि जैसा बोला कि भूखे पेट भजन नहीं होता हर कोई चाहता है यार अपने फैमिली को बेटर लाइफ uh, देना आप कैसे किसी को भी बोलोगे मिडिल क्लास को भी बोलोगे कि यार एसी तुम कम यूज़ करो पॉसिबल है hmm. कोई मानेगा कितनी भी आग लगी हो ना कहीं पर यार आप अपने फैमिली को बेस्ट लाइफ देना चाहते हो तो मुझे लगता है कि एसी का पेनिट्रेशन तो बढ़ेगा ही बट आप वो बिजली अब कहाँ से कंज्यूम कर रहे हो वो आप कोयले वाली बिजली जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है वो या आप क्लीन एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो जब ट्वेंटी uh, ट्वेंटी में लॉकडाउन हुआ था तब पूरा संसार साफ हो गया यस मतलब क्लैरिटी आ गई थी <laughs> अगर आप घर से बाहर निकलते थे तो आपको दूर तक चीजें दिखाई देती थी हमें तो बॉम्बे में बदबू आने लगी थी फिर में लोगों ने बोला भाई ये बदबू नहीं ये साफ हवा है हाँ <laughs> <laughs> मतलब लाइफ बदल गई थी एटलीस्ट मेट्रोज में मेट्रोज uh, एकदम नए हो चुके थे yeah. मुझे याद है मुंबई में डॉल्फिन आने लगी थे बहुत क्रेजी था yeah, हम सनसेट सुंदर हो चुके थे yeah. कलर्स ऐसे yeah. फैल रहे थे स्काई में तो एक अलग जिंदगी थी yeah. और फिर इवेंचुअली कुछ महीने बाद ऑलमोस्ट खत्म हो गया और फिर फिर से पोल्यूशन स्टार्ट हुआ yeah. आ, ये है मानव जाति की असलियत हाँ और खराब नहीं है मतलब इंसान बेटर करना चाहता है और कोई भी स्टेपबैक ले लेके कि यार मैं दुनिया के लिए क्या करूँ उसके पहले यार मैं ख़ुद के लिए क्या करूँ वो जो एक मैस्ल ऑफ हायर की बोलते हैं कि यार पहले तो अपनी बेसिक नीड्स को आप पूरा करोगे फिर जाके आप बोलोगे कि हाँ मैं और इंटेलेक्चुअल परस्यूट मतलब आध्यात्मिक चीज़ें के बारे में सोचूंगा बट जो लोग उस जगह पर पहुँच चुके हैं वहाँ उन्होंने अपना काम करना शुरू करना चाहिए जो मैं आपका एक पॉडकास्ट देख रहा था आप ये बोल रहे थे कि अभी जल्दी से पाँच दस साल में अच्छे से कमा लूँगा फिर मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है uh, मुझे लगता है आप आज भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो बट एंड एंड आई एम लुकिंग फॉर्वर्ड टू के जब आपके आपके एम्बिशन पूरा हो जाएगा काम के फ्रंट पे आप वो क्या कॉन्ट्रीब्यूट करोगे आप मतलब मेरे एक प्रोफेसर है आई बॉम्बे से uh, प्रोफेसर चेतन सोलंकी उन्हें मतलब हमें सिखाना शुरू किया ब्लॉग लिखे बच्चों को एडुकेट कर रहे हैं सोदर के बारे में उन्होंने देखा कि यार ठीक है मतलब मैं बिज़नेस वाइज लोगों को पढ़ाने के थ्रू जितना इम्पैक्ट कर पा रहा हूँ बिगेस्ट प्रॉब्लम यह है कि आ, लोगों के वो कॉन्वर्सेशन का पार्ट कैसे बन जाए उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया उन्होंने एक बस ली अब वो अगले दस साल सिर्फ उस बस में रहने वाले हैं पूरा इंडिया घूम रहे हैं स्कूल्स में कॉलेज में बिजनेसिस के पास में जाके बस ये चीज़ लाइक इतना इतना कुछ एक्सट्रीम करना पड़ता है किसी को कि उसके बारे में लोग बात करने लगे और वो ये सिखा रहे हैं कि तुम कम कैसे कंज्यूम करो और मैंने उनसे डिबेट की तो मैंने ये बोला कि सर आप किसी को नहीं बोल सकते कम कंज्यूम करना आप इंस्पायर कर सकते हो एंड इंस्पायर वो कर रहे हैं जो बाकी लोग कर सकते हैं कि यार अब लोग ए सी कंज्यूम करने वाले ना गाड़ियाँ लेने वाले हैं ना अब आप ई लो ई को कैसे इंसेंटिवाइज करो अब आप गीजर ए बिजली कंज्यूम करने वाले हो मैं क्लीन एनर्जी कहाँ से लाऊँ उसको कैसे इंसेंटिवाइज करूँ सो बहुत सारे Uh, क्या बोलते हैं तरीके हैं जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं आ, बस मोमेंटम बढ़ाना है कि कितने जल्दी हम लोग पैक करें और ये शायद बातचीत से ही होगा बातचीत से ही होगा स्पेशली जो टीन एजर्स हैं वो शायद अपने घर पे बातचीत की वजह से दुनिया को बदल सकते हैं ये की पॉइंट है कि सस्टेनेबिलिटी एनवायरमेंट और ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करो अगर कोई लिटर कर रहा है उन्हें रोको आ, या पता है एक और टेक्निक ये होता है कि अगर किसी ने लिटर किया आ, अगर आपने उन्हें रोका शायद वो नाराज़ हो जाएंगे इसे उनके सामने जाकर पैकेट उठाओ शर्म की वजह से वो लोग स्टॉप कर देंगे कुछ कुछ लोग और ये सत्याग्रह दैट अब हमको सत्तर साल हो गए ना आज़ादी के तो हमें हम हम इसको बहुत ही एक्सपर्ट लेकर तो हमारा एंटाइटलमेंट है बट hmm. uh, वही छोटी छोटी चीज़ें आप बिना नॉन वॉयेंट तरीके से लोगों को कैसे इंस्पायर कर सकते हो और लोग बदलते हैं यार लोगों सब में वो अच्छा साइड आपको अपील करते आना चाहिए जो टैलेंट आना चाहिए क्लाइमेट चेंज की तरफ जो कोर प्रॉब्लम्स हैं ये उनको सेक्सी बनाने से आएगा मैं सबको बस बोलता रहा हूँ अपनी टीम में क्या मैं तुम्हें सैलरी दे नहीं सकता बट हमें क्लाइमेट चेंज के लिए काम करे वो 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 फ्लाई नहीं होगा इसलिए जस्ट पर्सनल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे बट Uh, मैं और श्रेय मेरी वाइफ हम कॉलेज uh, फ्रेंड्स uh, uh, हैं हमारी दोस्ती इसी चीज़ पे हुई थी कि देश के लिए कुछ करेंगे जब हम फर्स्ट लाइक फर्स्ट वीक इन कॉलेज हम लोग बोले कि यार कुछ तो देश के लिए करें करेंगे क्या करें कुछ पता नहीं था अभी तो ये इम्पैक्ट सस्टेनेबिलिटी मीडिया टर्म्स भी नहीं पता थे बट uh, चार पाँच साल की दोस्ती में हमने एक दो स्टार्टअप्स भी साथ में किए हमने एक चीज़ एक फंडा हमने बहुत क्लियर किया हम सिर्फ फॉर प्रॉफिट बिजनेस से इंस्पिरेशन नहीं आ रहा बट uh, हमें एन भी नहीं चलाना था एन अपना बहुत अच्छा काम करते हैं बट वो किसी पर तो डिपेंडेंट है हम इफ वी आर द ब्राइटेस्ट माइंड इन द कंट्री हम क्या कर सके तो हमें स्पेशली नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट बिजनेस बनाओ मुझे मुझे गवर्नमेंट की सब्सिडी पे बिजनेस नहीं बनानी मुझे चैरिटी पे बिजनेस नहीं बनानी मैं uh, मैं पॉजिटिव काम करना चाहता हूँ क्लाइमेट के लिए बट मैं अगर पैसा बनाऊंगा तो मुझे देख के दस इन्वेस्टर आएंगे चार कॉम्पिटिटर्स घुसेंगे इंडस्ट्री uh, बड़ी होगी uh, मैं कस्टमर uh, को लंबी सर्विस दे पाऊंगा अगर वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो आई uh, थिंक यहाँ पे जो बेस्ट टैलेंट है हमारा उन्हें वो क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी uh, कि अच्छा काम करते करते भी आप कैसे टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकते हो कैपिटल को अट्रैक्ट कर सकते हो सिर्फ ना इमोशन से काम होगा ना सिर्फ कमर्शियल माइंडेडनेस से काम होगा अगर मुझे बहुत पैसे कमाने हैं तो मैं चार और कुछ और बिजनेसेस खोल सकता था तो आपको पैशन और कॉमर्स को मिक्स करके Uh, है, ट बढ़िया मतलब आई थिंक है मतलब yeah. 2024 की असलियत भी टफ ही है कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज जो आपने पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा मुंबई के बारे में कि मोस्टली बीस तीस सालों में मुंबई शायद डूबने वाली है पानी के नीचे मैं ये मानता हूँ कि हमारी इस सिटी इतनी ज़्यादा पॉपुलस हो चुकी है इतने ज़्यादा लोग आ चुके हैं इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि इट वॉन्ट बी एबल टू होल्ड सो मैनी पीपल और एक और सच्चाई है थोड़ी हिस्टोरिकल सच्चाई है कि जैसे जब हम दिल्ली जाते तो हम न्यू दिल्ली जाते एन सी आर जाते एक दूसरी जगह है ओल्ड दिल्ली जहाँ चांदनी चौक है एक ज़माने में ओल्ड दिल्ली भी दिल्ली ही थी ओल्ड दिल्ली वाज दैट टाइम्स न्यू दिल्ली पर ओल्ड दिल्ली बन गई फिर लोग वहाँ से मूव आउट करने लगे हर शहर की एक लाइफ होती, होती है लाइफ होती है लाइफ स्पैन होता है आई uh, फील कि मुंबई का लाइफ स्पैन अब बीस तीस साल में ख़त्म हो जाएगा ऐसा मैं मानता हूँ आई डोंट सी एनी चेंजिंग क्योंकि ठीक है मेट्रो बना रहे हैं सब बना रहे हैं कोस्टल रोड बना रहे हैं पर एनवायरनमेंट बहुत हार्म हो रही है आई डोंट नो कि अगर जो लोग डिसीजंस बनाते हैं रोड्स को लेके कर मेट्रो uh, को लेके उनकी इंटेंशंस अच्छी है कि द सिटी शुड बिकम मोर लिवेबल पर एनवायरनमेंट बहुत हार्म हो रही है हमारे हाथ थोड़े बंधे हुए भी हैं वी आर अ मिडिल इनकम कंट्री हमें ज़्यादा क्रिएटिविटी लगेगी क्योंकि एक तरफ हम अगर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं और फिर हेल्थ खराब कर दें hmm. uh, इसी पॉपुलेशन की आप वही सोचो ना बीस साल बाद में जो गवर्नमेंट आएगी उन्हें तो हेल्थ केयर पर कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा पॉलिटिक्स hmm. कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि पॉलिटिक्स को तो अभी गवर्नमेंट में रहना है कोई भी पार्टी हो कोई भी पार्टी का लीडर हो उन्हें तो अभी सोचना है ना कि मुझे अभी वोट किस चीज़ से मिलेगा कोई बीस साल का आगे नहीं सोच रहा hmm. आ, ये तो आपके मेरे जैसे लोगों को करना होगा कि यार अभी से सोचो एंड एंड पब्लिक अवेयरनेस अगर आएगी तो इजीली हम उसी गवर्नमेंट के लिए वोट करेंगे उन्हीं गवर्नमेंट वो चेंजेस लाएंगी किसी भी पार्टी में और लोग मतलब पब्लिक अगर चाहती है तो वो होगा

आपसे ज्यादा कोई सोलर एनर्जी के बारे में जानता है। नहीं काफी सारे लोग काफी सारे लोग हैं बट हाँ टॉप वन परसेंट में तो पक्के से आऊंगा क्योंकि जो ऑन्टरप्रनोर्स होते हैं आप लोगों को ना ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनना होता आपको उस डोमेन का एक कमर्शियल एक्सपर्ट भी बनना होता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इसलिए चलो मान लो साइंटिस्ट होंगे जिनको सोलर एनर्जी के बारे में आपसे थोड़ा ज्यादा पता है टेक्निकली स्पीकिंग बट एक प्रैक्टिकल नजरिए से आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता इनफैक्ट आई गवर्नमेंट शुड भी कंसल्टिंग यू गुड पार्ट इज़ देर एक्चुअली कंसल्टेड एज ये 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 मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया देश में बड़े डिसीजन कैसे लिए जा रहे हैं एंड अलॉट ऑफ क्रेडिट टू टू द ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस टू एक्चुअली एंगेज कि उन्होंने पूछा कि रही ये हम जो आइडियाज़ ला रहे हैं ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है अभी हमने काफ़ी सारे स्टेट इलेक्शन हुए हमने देखा कि फ्री बिजली फ्री बिजली के नाम पर वो गवर्नमेंट्स आई जीती इस कैम्पेन पर अब इसका डाउन साइड ये लाइक इसका इसका बुरा आउटकम ये है कि वो स्टेट के पास में जो उनके बिजली विभाग हैं ये फ्री की बिजली दे रहे हो और आपके पास में रिसोर्सेज नहीं है तो कहीं ना कहीं तो आप बैंक करप्ट होंगे ना हुँ. और आपने फ्री बिजली करके वोट तो ले लिए सरकार में तो आ गए बट पाँच साल आप सड़कें नहीं बना पाओगे खाना नहीं दे पाओगे सिक्योरिटी नहीं दे पाओगे तो ये ये एक बहुत ही विशेष साइकिल है जैसे फार्म लोन्स माफ़ कर दो अब मैं एक्चुअली वो बहुत फील करता हूँ कि नहीं है पैसा फार्मर के पास में बट फार्म लोन भी एक सही सोल्यूशन नहीं है मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बट दोनों के ना प्रोज एंड कॉन्स बहुत हैं यहीं पे जो जीनियस है जो जो जनरेशनल लीडर आते हैं जो इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं कि यार एक सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है फार्मर्स की लाइफ और एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्या देश का उतना पैसा नहीं है स्टेट का पैसा नहीं है और बहुत सारी पार्टीज़ फ्री बिजली फ्री बिजली के नाम पर तीन साल पाँच साल सरकार में आओ बाद में छोड़ो ना यार क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे एक बार अगर सोलर पैनल्स लग गए घर पे एक बार का पैसा है ना उसको कैपेक्स बोलते हैं एक बार की तो इन्वेस्टमेंट है बट ये पच्चीस साल तीस साल चलेगी सो so, पाँच छः सात साल में जब आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो गई उसके आगे तो अगले बीस साल आपको फ्री बिजली है वहाँ पे अगर कहीं से हमारा देश हमारी गवर्नमेंट वो पैसा अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर ला सकती है उसके आगे तो मतलब आ, मतलब क्लीन एन्वायरमेंट भी है अभी जस्ट दो साल पहले हमें अगर जबलपुर जैसे शहर में अगर किसी घर को सोलर जाना है ठीक है इंजीनियरिंग वाला जो काम है वो तो हम आठ घंटे में कर देते हैं बट सरकार से एक परमिशन भी लगती थी जैसे आप गाड़ी खरीदते हो तो एक रजिस्ट्रेशन लगता है वैसा आपको सरकार से बिजली विभाग से रजिस्ट्रेशन के लिए हमें चालीस डॉक्यूमेंट साइन कराने पड़ते थे कस्टमर से वही चालीस डॉक्यूमेंट आप बिजली विभाग में ले जाओ आप बिजली विभाग आपके एरिया का फिर वो हेड ऑफिस पे ले जाओ ऐसे ना बहुत चक्कर काटने पड़ते थे अब वही सोलर जो हम दो लाख में लगा सकते थे हमें दो लाख पच्चीस हज़ार में लगाना पड़ता था क्योंकि ये खर्चा भी हो रहा है टाइम भी जा रहा है कस्टमर ही बोल रहा है कि यार मैं मुझे चालीस दिन पचास दिन तीस तीन महीने क्यों रुकना पड़ रहा है सोदर जाने के तो लोग सोलर नहीं जा रहे थे अब हमने उन गवर्नमेंट्स का अपने काम किया ये जो भी गवर्नमेंट के जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं लकीली ये भी अच्छे कॉलेजेस से आते हैं Uh, अगर कोई अच्छा ऑन्टरप्रेनर उनके पास में पहुंच जाए कि सर आप इसको डिजिटल बना सकते हो आप वन क्लिक से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो ये डॉक्यूमेंट साइन रहने की ज़रूरत ही नहीं है आपको आधार पे किसी का सिग्नेचर क्यों चाहिए आधार डिजिटल रिकॉर्ड है अरे हाँ यार हम तो दस साल से डॉक्यूमेंट मांग रहे थे तो वो चलता चला गया मैं इसको बदलवा देता हूँ ये चेंजेस कराए आज उसी जबलपुर में कस्टमर को मिडिल क्लास को अगर सोलर जाना है वो एक क्लिक पे जा सकते हैं अब ये वो गवर्नमेंट भले बिजनेस uh, में ना घुसे सोलर लगाने के उन्होंने पॉलिसी स्मूथ कर दी आई थिंक ये चीज़ हमेशा बोलते हैं कि बिज़नेस का रेवोल्यूशन हो या टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो वो सबसे पहले रेगुलेशन से एनेबल uh, होता है uh, तो वो चीज़ें हो रही हैं uh, तो अपने आप में मोमेंटम बहुत uh, बढ़ जाएगा हमें देख रहा मतलब पिछले दस दिन में एंड एंड ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया uh, सरकारों ने ना कुछ शहर पकड़ लिए और उनको बोला खैर यहाँ पे पच्चीस हज़ार घर सोदर जाएंगे अब थोड़ी हलचल हुई हमारे आ, जो भी है सोलर की कंपनीज़ हैं कंप्यूटर्स हैं उनमें अब मुझे लगता है कि नहीं होने वाला है कोई चांस ही नहीं जिस जिस शहर में पचास पाँच सौ घर नहीं हुए हैं पिछले दो साल में वो पच्चीस हज़ार घर तीन महीने में कैसे लगाएंगे तो एक ये व्यू होता है पॉलिटिक्स का क्या तो कुछ भी बोलते रहते हैं बट जब मैं थोड़ा सा और डीप में गया ना जब मैंने उनसे बात की जो डिसीजन मेकर से बोले यार हमें भी पता है पच्चीस नहीं होने वाले हैं पब्लिक अवेयरनेस तो क्रिएट करें हर महीने अगर पचास घर ही जा रहे हैं उसकी जगह अगर तीन गए तो और ये पचास से तीन सौ जाने में क्या दिक्कत आ रही है और तीन सौ से तीन हजार जाने में क्या दिक्कत रही है हमें पता तो चले तब जाके हम पॉलिसी बदलेंगे पॉलिसी स्लो बदलती है बट जब बदलती है ना तो हमेशा के लिए बदलती है मैं एक और सर्टिस्टिक देता हूँ आपको मेरे इंडस्ट्री का मैं क्योंकि मेरे को ये सब्जेक्ट अच्छे से पता है जितने भी घर सोलर जाते हैं लगभग डेढ़ से दो लाख घर आ, साल के सोलर जा रहे हैं उसमें से अत्तीस प्रतिशत ना सिर्फ गुजरात में जाते थे और ये अभी का स्टेटिस्टिक है अगर मैं पाँच साल पहले जाऊँ तो गुजरात में बहुत कम घर जा रहे थे और आ, पॉलिसी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी साथ में कैसे मूव करती ये मैं एक्सपीरियंस कर पाया 2015 में गवर्नमेंट ने पहली बार मुहिम निकाली के गुजरात में कि अभी घर सोलर जाएंगे उन्होंने ना कुछ लगभग हज़ार घर के लिए स्कीम निकाली अच्छी स्कीम थी हज़ार घर सोलर गए सब खुश थे अगली बार उन्होंने बोला कि पाँच हज़ार दस हज़ार घर सोलर जाएंगे पूरा सिस्टम चौक हो गया क्योंकि छोटी छोटी चीज़ लगती है आपको बिजली विभाग से डॉक्यूमेंट साइन कराना है मीटर लगवाना है मीटर टेस्ट कराना है आ, ये सुविधा गवर्नमेंट के पास थी नहीं क्योंकि उनको भी एम्प्लॉय करना पड़ता उन्होंने दो साल लिए उन्होंने सीधा फिर डेढ़ लाख घर की मुहिम निकाली अब मैं इंडस्ट्री में था बट मैं ये हंस रहा था कि कुछ भी बोल रहे हैं पॉलिटिशन आके तो कुछ भी मतलब कि डेढ़ जहाँ पे पाँच हजार घर से नहीं जा रहे वहाँ पे तुम डेढ़ लाख घर से जाने की बात कर रहे हो मैं हंसता रहा मैं गया नहीं गुजरात एक साल बाद में डेढ़ लाख घर लग गए पता है क्या हुआ गवर्नमेंट को दिक्कतें दिखी उन्होंने बोला चलो ये इसको डि डिजिटल कर देंगे हमें चार सवाल नहीं पूछेंगे उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड कर दी उन्होंने फ्रिक्शन hmm. हटा दिया और ये सिर्फ मैं मैं सिर्फ सोलर कह रहे हैं, बोल रहा हूँ बट मेरे को बाकी मुझे बाकी चीज़ों में भी दिख रहा है ये उन्होंने जैसे फ्रिक्शन हटा दिया ना इंडिया में इतनी आबादी है और इतने हम जुगाड़ू एंटरप्राइजिंग कम्युनिटी हैं एज अ एज अ कंट्री कि बिजनेस खड़ा हो जाता है अगर डिमांड है तो बिजनेस खड़ा हो जाएगा आपको फ्रिक्शन हटाना था सबसे सस्ता सोलर गुजरात में लगता है मेरा हार्डवेयर तो सेम है बट क्योंकि कोई भी सॉफ्ट कॉस्ट जो होती है वो ट्रांसपोर्ट की हो वो सेल्स की हो वो ऑपरेशंस की हो वो खर्चे इतने स्मूथ है वहाँ पे कि वहाँ पे वो पॉजिटिव साइकिल चला गया एंड चीज़ें अगर सस्ती हैं तो ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं अब कुछ ज्यादा लोग ने खरीद लिया अब आप सोचो आपके लेफ्ट में शर्मा जी रहते हैं उन्होंने खरीद लिया राइट में मेहता जी रहते हैं उन्होंने खरीद लिया आपके लिए रिस्क कम होगी ना हाँ ठीक है आप सब खरीद रहे हैं मैं भी खरीद लेता हूँ Uh, मुझे लगता है इंडिया में एक नेबर सिंड्रोम है किसी को भी ना पहला बंदा नहीं होना किसी को रिस्क नहीं लेनी यहाँ पे बट अगर आपके पड़ोसी ने कर लिया आपकी कम्युनिटी ने कर लिया uh, कोई डिसीजन तो आपके लिए भी आसान पड़ता है लव मैरिज की तरह है ना घर में पहली बार जो करता है hmm. uh, उसको तो खूब डांट पड़ती है बट बाद में पीपल गेट यूज टू इट तो uh, और ये इतनी बड़ी परचेस है उन्हें आज दो लाख खर्चा करने पड़ते हैं अब आप सोचो जो एच लोग हैं बहुत अमीर हैं उनके लिए तो बड़ा डिसीजन नहीं होगा बट जो मिडिल क्लास है इंडिया का विच इज द बल्क ऑफ द कंट्री उनके लिए दो लाख की परचेज कितनी बड़ी है एंड मैं अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दू यहाँ पे गाड़ी जैसी आ, है गाड़ी जैसी परचेज है ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनसे आप दो लाख की चीज खरीद सकते हो ऐसी कितनी चीजें हैं जो दो लाख की खरीदते हैं हमने ना आप पर दो लाख रुपए की वजह से बहुत सारा पैसा बचेगा भी लॉन्ग टर्म में अब ये है कि आप सो so अगर मैं इकोनॉमिक्स बताऊँ इसकी दो लाख में से गवर्नमेंट आपको चालीस हजार की तो सब्सिडी देती है आप अगर अच्छा सोलर खरीदें तो जैसे सोलर स्क्वायर है अपने कस्टमर क्या करते हैं हम तो चालीस हज़ार गवर्नमेंट ने दिए एक लाख साठ हज़ार का हम आपको लोन देंगे अब कस्टमर की इन्वेस्टमेंट जीरो मतलब ई एम आई पे खरीद हम ई एम आई पे देंगे अब ये पाँच साल का ई एम आई है आपका बिजली का बिल है महीने का तीन हज़ार और आपका ई एम आई आ रहा है ढाई तो आप तो पहले दिन से पहले महीने से आप तो पैसा बना रहे हो और ये पाँच सौ रुपये हर महीने के बचेंगे पहले पाँच साल पाँच साल बाद

इनिशियली उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा रहेगा ऐसा लगेगा कि घर पे एक आपने गाड़ी खरीद के रखी है पर कुछ कुछ कंपनीज आपको ई एम आई स्कीम्स में सोलार पैनल इंस्टॉल करके दे रहे हैं अभी वो ई एम आई में कितना खर्चा आ रहा है रफली ढाई हजार का वहाँ हर महीने आपको पाँच सौ रुपये सेव करने का मौका मिलेगा पाँच साल, हाँ, और पाँच साल के तो पूरे तीन हजार रुपये बच रहे हैं आपके। हाँ क्योंकि एक बार आपका वो लोन खत्म हो गया फिर जिंदगी भर के लिए या एटलीस्ट दस साल के लिए तो सो उधर जो टेक्नोलॉजी है ना वो तो पच्चीस तीस साल तक आसानी से चलती है अगर आपने अच्छा खरीदा है मेंटेन किया है, तो आसानी से मतलब दस तो बहुत ही कम पीरियड हो गया एक गाड़ी की तरह ही है मतलब जो सोलर पैनल सो है। फनी बात ये है ना ये हमने हमारे से किसी भी बायर ने होम ओनर ने कभी कोई पच, अपना घर छोड़ के किसी ने कोई पच्चीस साल की लाइफ वाला कोई प्रोडक्ट ही नहीं खरीदा और अगर मैं आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी दे भी तो किसी को विश्वास देता कि नहीं पच्चीस साल तो नहीं चलेगा दस तो चलेगा मैं दस के हिसाब से गणित करता हूँ एंड मैक्सिमम जो आ, आ, जो डिसीजन मेकर्स है जो होम ओनर्स है वही लोग कि हाँ दस साल चल गया तो भी ठीक ठाक है इकोनॉमिक्स uh, इतनी अच्छी है आप सोचिए ना एक डिसीजन आपने आज लिया आपके पैसे नहीं लगे डे वन से पैसे बच रहे हैं एक डिसीजन से आपको आज दस लाख रुपए एक एक मिडिल क्लास फैमिली और यह नहीं कि सिर्फ बॉम्बे या पुणे में पॉसिबल है ये देश के किसी भी गांव में किसी भी टाउन में आ, अगर आपकी खुद का घर है और आपकी खुद की छत है Uh, आप डिसीजन ले सकते हो एंड आई थिंक बहुत मतलब और इसको अगर अच्छे से खरीदा आपने तो ये तो एफ डी की तरह है आप सोचिए ना आपने दो लाख रुपए लगाए और हर साल आपको अगर चालीस हज़ार रुपये मिल रहे हैं आपने ऐसे पूरा आपका दो लाख रुपए हैं आपने लगा दिए अपने घर पे सो और कोई ई कुछ नहीं खरीदा अब हर साल आपको चालीस हज़ार रुपये मिलते चले जाएंगे आप अगर वो एक्सेल पे आप रिटर्न निकालोगे सारे जो फाइनेंस का अगर लोगों को इंटरेस्ट आता है ना इसका रिटर्न बीस परसेंट है पच्चीस साल तक और बिजली अगर और महंगी होती चली गई तो आपका रिटर्न तो और बेटर होता चला गया मतलब आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो नॉन सोलर पावर बेस्ड पावर है इफ़ेक्टिवली आपका पैसा वहाँ वेस्ट हो रहा है क्योंकि आज तक अच्छी टेक्नोलॉजीज़ नहीं निकल के आई थी पर अब सोलर पावर की वजह से आगे जाकर आपका पैसा ब, बचेगा और मैनकाइंड के मतलब इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ये है कि मैनकाइंड की हिस्ट्री में कभी भी हमने ना लाइक एक इंडिविजुअल ने कभी एक सोर्स ऑफ एनर्जी पावर को ओन नहीं किया है आ, आप कितने भी साल पहले चले जाए या तो गवर्नमेंट दे रही है सरकार दे रही है राजा महाराजा दे रहे हैं आपको या तो आप अंधेरे में रह रहे हो यहाँ पे हर घर अपना उनका खुद का एक पावर प्लांट होगा ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में धीरे धीरे जा रहा है यहाँ पर अवेयरनेस चाहिए बेसिकली आपके इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एजुकेशन है ऐसा मेरे को लग रहा है पहला एजुकेशन जो सरकार को ही करना पड़ेगा कोई पब्लिक कंपनी हम कितना भी हल्ला बोल करें वहाँ पर आई थिंक जो सरकार कर सकती है आ, वो एक बात है और दूसरा है ट्रस्ट जो मैं बोल रहा था कि आप आप मुझे बताइए एक मिडिल क्लास में जो हमारा आज व्यूअर होगा कितनी चीज़ें खरीदी हुई उन्होंने दो लाख की अपने लाइफ में मैं आपको अगर मेरे कंज्यूमर के बारे में बताऊँ तो उन्होंने घर ख़रीदा है गाड़ी सेवेंटी परसेंट ऑफ जो लोग सोलर जा रहे हैं उनके पास गाड़ी नहीं है इंडिया में एसी सी अगर ना आपको गैस करने रहे लोग कितना होगा छः परसेंट है तो लोग सोलर खरीदते हैं एसी खरीदने के पहले गाड़ी तो छोड़िए घर में शायद एक एजुकेशन लोन होगा और शादियों में ज्वेलरी खरीदी होगी बट ये उनकी लाइफ की सबसे चौथी लार्जेस्ट परचेज हो जाती है यहाँ पर ना एक एजुकेशन और वो एजुकेशन में लोगों लगे हाँ सोलर तो सही है भाई तो इतनी सब्सिडी इतना लोन इतनी सेविंग मिल रही है सही सोलर क्या है क्योंकि आपने दो लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी या लोन ले लिया और नहीं चला आ, तो वो फियर में लोग डिसीजन नहीं लेते और हमें तो यही रिलइज हो जब हमने ये काम करना शुरू किया कि हमें जो ट्रस्ट अचीव करना है एजुकेशन तो हम कर रहे हैं जितनी हमारी हैसियत है हम उतना किए जा रहे हैं गवर्नमेंट को भी करना है वो भी कर रहे हैं बट ये जो ट्रस्ट है ये ट्रस्ट डेफिसिट ओवरकम करना बहुत जरूरी है लोग इंडिया में बोलते हैं कि इंडिया कॉस्ट सेंसिटिव है मुझे लगता है इंडिया ट्रस्ट सेंसिटिव है और वो अपने ट्रस्ट हमें जो क्रिएट करना है वो एक मारुति का ट्रस्ट है वो एक एच का ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट अर्न करना आप सोचिए ना मेरे मिडिल क्लास फैमिली से मैं बात कर रहा हूँ सर 25 साल सोलर चलेगा दो लाख की इन्वेस्टमेंट कीजिएगा उनके दिमाग में क्या आता है आ, ये बंदा पैसे लेके भाग गया तो ये अगर मुझे बहुत खर्चे आए तो जितना बोल रहे हैं बिजली बनाए उतनी नहीं बनाए तो ये इतने जो फियर हैं यहाँ पर हमारे जैसे लोगों को आई थिंक हमें अपना हमारी इंडस्ट्री का लेवल उठाना है अभी क्या बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से लोकल कंपनियां लगा देती हैं दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द मिशन बट वो ट्रस्ट दवा है और क्या एक आप सोचे ना आपके पड़ोसी ने किसने लगाया और उनका एक्सपीरियंस ख़राब रहा वो दस लोगों को बोलेगा कि मत यार मेरे तो पैसे नहीं बचे तो ये एक चैलेंज है जो ओवरकम करना है एंड uh, uh, ये हम टू एन एक्सटेंड कर पाए जैसे हमने जब बिज़नेस शुरू किया हमने बोला कि यार हम बहुत बार ना वी कंपनीज कैसे आजकल ग्रो करती हैं डिजिटल मार्केटिंग करती हैं फेसबुक पेड दिखाएँगी इंस्टाग्राम पैड दिखाएंगे गूगल पे दिखाएंगे हम भी दिखाते हैं बट हमने बोला कि हमारा एक तिहाई से फिफ्टी परसेंट बिजनेस अगर हम रेफरल के थ्रू जीत पाएँ तो हम मार्ग जकबर को अमीर नहीं कर रहे जो फेसबुक के ओनर है कि यार वो अमीर हो गए ऐड दिखा दिखा के एंड हमने वो ट्रस्ट क्रिएट किया तो हम पूरे इंडिया में नहीं गए हमने छोटे छोटे शहर पकड़े वहाँ पेंशोर क्या क मुझे अगर गुप्ता जी ने ख़रीदा है तो वो शर्मा जी को रेफ़र कर रहे नहीं कर रहे मेहता जी को रेफ़र कर रहे नहीं कर रहे हैं वहाँ से हम सोलर भी सस्ता कर पाते हैं ट्रस्ट बना पाते हैं कोई भी इंडिया में दो लाख की चीज़ ऐड देखने से नहीं खरीदने वाला वो ट्रस्ट पे ख़रीदने वाला है एंड एक मैंने काफ़ी ट्रस्ट की बात की मुझे लगता है आप मुझसे खरीदो किसी और से खरीदो अपने सोलर लगाना चाहिए क्योंकि वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनेंस के लिए प्लानट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा खरीदो खराब वाले होता बहुत बहुत मैं एक स्टेप बैक पीछे लेता हूँ सोलर पैनल में ऊपर तो कांच लगा लगाए एल्यूमिनियम लगा है जो एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी बिजली बनाती है वो ना वेफर थिन वो आपके हेयर थिन होती है आ, और वो फैक्ट्री में तो चलो अच्छी बन गई जब आपके घर पर है तो वो ट्रांसपोर्ट हो रही है इंडिया के रस्तों पे ट्रांसपोर्ट हो रही है लेबर इंडिया में स्किल्ड लेबर तो है नहीं आ, तो जब लेबर आपके छत पे लगा रही है आप मेंटेन कर रहे हो उस चीज़ को तो यहाँ पे ना बहुत डैमेजेस हो जाते हैं और ये डैमेज मैन्युफैक्चरर तो कंट्रोल नहीं करता क्योंकि वो तो अपने फैक्ट्री में बना रहा है जैसे हम गाड़ियाँ बनाते हैं मारुति बड़ी क्यों बन पाए क्योंकि उनकी हर गाड़ी उनके फैक्ट्री में कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बन रही है हमारा चैलेंज ये हमें सत्तर कॉम्पोनेंट लेने पड़ते हैं और एक गाड़ी क्योंकि दो लाख की चीज़ टेक्निकल प्रोडक्ट हमें हर रोज़ एक नई छत पे उसी क्वालिटी के बनाने जो 25 साल चले आ, आसान नहीं, नहीं है इम्पॉसिबल नहीं है आई थिंक वो के वो क्वालिटी की तरफ नच करें और ये बोलना मैं यहाँ पे मेरे लिए बहुत आसान है बोलना कि हम क्वालिटी का काम करते हैं बाकी लोग नहीं करते आई थिंक हम लाइक like, मैं पर्सनली मेरी टीम जो है हम इतने मोटिवेट है कि हम सोलर को लाइक like, हमारा एक ही मिशन है हम हमें पता है कि देश 2030 में तो सोलर जाएगा ही जाएगा क्योंकि आस पड़ोस मोमेंटम इतना होगा आ, पड़ोसी लगा रहे हैं गवर्नमेंट बोल रही है आ, आ, आप जाओगे सो 2030 में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है क्लाइमेट चेंज में मैं अगर जो जो घर 2030 में सोलर जाता क्या मैं उसको दो हज़ार क्या मैं एक दिन पहले जो जिस दिन सोलर जाना था उसके एक दिन पहले अगर हम उसको सोलर ले जा पाए तब हमने क्लाइमेट चेंज में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन किया क्योंकि जितने जल्दी आप आ, आ, अच्छी बिजली बनाएंगे उतना आप और पर्यावरण को आ, बेटर इम्पैक्ट कर पा रहे हो और यहाँ पे ना दो चीज़ें चाहिए और यहीं पे जो मैं हम पहले बात करते हैं पैशन की आ, जो बेस्ट सैंड होते हैं बहुत स्मार्टेस्ट लोग होते हैं बट उनमें अगर जुनून नहीं है कि क्यों ये काम कर रहे हैं तो वो चीज़ें या तो बहुत ही कम कॉस्ट वाली बना देंगे या तो चीज़ें महंगी बनाएंगे अट्रैक्टिव बनाएंगे बट दोनों में दिक्कत क्या होती है मैंने सोलर बहुत अट्रैक्टिव बना दिया अच्छे से पैकेजिंग कर दी सर्विस टाइम पे जा रही है बट मैंने बहुत महंगा कर दिया कम लोग सोलर जाएंगे और मैंने सस्ता बनाने की आड़ में आ, ट्रस्ट खो दिया कि मैं सर्विस नहीं दे पाया जितनी बिजली बनानी थी उतनी नहीं बना पाई तो शुरुआत में तो बिजनेस आ जाएगा दो साल बाद आप या तो इंडस्ट्री में नहीं रहोगे या तो आपका नाम खराब हो गया होगा एंड यहीं पे जो मैजिक क्रिएट करना होता है कि यार मैं अच्छी क्वालिटी कम कॉस्ट में सही कॉस्ट में कैसे दे पाऊँ और कैसे उसके पीछे पड़ा रहा हूँ यहाँ पर जो आ, जो मिशनरी लोग आ, आपने अगर टर्म सुना होगा मिशनरी और मर्सनरी आ, कुछ लोग जो पैसे के लिए काम करते हैं अच्छा काम करते हैं मेहनती हैं बहुत अकलमंद है बट वो खुद के लिए कर रहे हैं और वहीं पर उसका 99 परसेंट वाला अकल वाला इंसान बट अगर मिशन पे हम देखते हैं ना हर कोई आ, हर किसी को आई आई एम्स होने की ज़रूरत नहीं है यार जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं आ, तो वो जुनून अगर जो लेके आते हैं मैं अपनी टीम में देखता हूँ ज़रूरी नहीं कि बेस्ट डिग्री वाला इंडिविजुअल होगा बट अगर कोई टेक्निकल काम करता है बट उसको दिख रहा है कि यार ये कस्टमर्स उधर जा सकता है बट नहीं जा रहा क्योंकि कुछ तो दिक्कतें आ रही है उनकी छत में दिक्कत होगी कस्टमर मान नहीं रहा है वो घुस जाते हैं वो सेल्स टीम के साथ में लग जाएंगे वो ऑपरेशन टीम के साथ में लग जाएंगे फाइनेंस टीम के साथ में लग जाएंगे वो एक थ्रेश ओवरकम कर पाते हैं क्योंकि यार हमें हम हम क्यों काम कर रहे हैं मैं नो बडी वर्क फॉर अ पर्सन और बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं पीपल वर्क फॉर अ मिशन वो कोई भी कंपनी हो Uh, uh, वो हॉस्पिटल्स हो बिजनेस हो वो मिशन अगर आप सही दे पाए लोगों को आई थिंक ट्रू चेंज तभी हो पाएगा दिस इज़ द ट्रूथ अबाउट हर घर सोलार मतलब आपने एक बहुत रियलिस्टिक पिक्चर की किया जो शायद देशवासियों को जानना चाहिए कि असलियत क्या है बेसिकली आपको कित, कितना खर्चा करना पड़ेगा <laughs> ये आप जानना चाहते हो ना ठीक है आई एम ग्लैड कि आपने जाना है अब ये जानो कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है वही सवाल है आपके लिए मुझे भी लगता है कि बाय 2030 देश के बहुत सारे लोग आ, सोलार पावर को अपनाएंगे अडॉप्ट करेंगे बट इसका बेसिक वन वन क्या होता है क्योंकि द रियलिस्टिक ट्रूथ इज़ अगर आप ऑलमोस्ट दो लाख का खर्चा कर रहे हो हर किसी को जानना कि इस गाड़ी के अंदर क्या है मैं क्यों दो लाख का खर्चा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो एग्जैक्टली exactly मतलब ब्रेक डाउन कीजिए कि हाउ डज़ अ सोलर सेल वर्क शायद आपकी शुरुआत आपको यहाँ से करनी चाहिए कि ट्रेडिशनल पावर हाउ डज़ दैट वर्क जो बिजली हम अब यूज़ कर रहे हैं हमारे घर पे जो कोयले से बनती है लॉजिक क्या होता है कोयला निकलता कहाँ से वहाँ से शुरू करते हैं ठीक है तो आ, जो अपनी खदानें हैं जैसे इंडिया में उड़ीसा बिहार झारखंड वाला जो एरिया है यहाँ पे ट्रेडिशनली कोल काफ़ी अवेलेबल था एंड सबसे पहले ये लगभग 1900s Uh, में डिस्कवर uh, हुआ था सबसे पहला पावर प्लांट हमारा टाटा ने लगाया था तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल पावर प्लांट्स डल रहे थे uh, तो ट्रेडिशनली ग्लोबली भी ऐसा ही हुआ है कि दूर जहाँ पे पानी अवेलेबल है uh, जहाँ पे कोयला अवेलेबल है वहाँ पे बड़ा पावर प्लांट लगाए पोल्यूशन बहुत होता है अगर आप मध्य प्रदेश में सिंगरौली जैसे जगह पे जाओगे तो कैंसर हो रहा है uh, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं जो काम कर रहे हैं तो दूर शहरों से दूर पावर प्लांट लगाएँ Uh, तो वो पावर जनरेटर होते हैं वहाँ से uh, जो हम हाईवे पे बड़ी बड़ी केबले देखते हैं उससे उस वो ट्रांसमिशन आ रहा है और फिर बड़े शहरों में जो छोटे छोटे सब स्टेशन हम देखते हैं बिजली विभाग के तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पावर का हर घर हर बिल्डिंग में uh, बिजली वो पहुँचा रहे हैं uh, ये तीन पार्ट में बिजली का जो पूरा सेक्टर है डिवाइडेड uh, है पहली बार ऐसा हो रहा है uh, कि वो तो इसको सेंट्रलाइज पावर बोलते हैं जो सोलर है उसकी इमेंस पावर यह है कि वो डिसेंट्रलाइज है अब आप हर घर पे आप सोलर लगा सकते हैं इसके से क्या हो रहा है जो आ, आपके मतलब एक तो कोयला तो नहीं चाहिए पोल्यूशन तो फ्री है ही बट जो आपके सारे लॉसेस होते हैं आप एक तरफ़ से दूसरी बिजली ला रहे हो ठीक है तो एनर्जी आपकी वेस्ट होती है राइट आप एक जगह से आ, जैसे पेट्रोल कंज्यूम करते हो तो कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह आ रही है तो एनर्जी का जो वेस्टेज है वो सोलर में नहीं हो रहा अभी आ, इंडिया में अगर हम देखें मैं थोड़ा सा हट के जस्ट टॉपिक से बताऊँ फ्यूचर अगर हम थोड़ा सा देखें तो ईवीज़ हम ज़्यादा यूज़ करना शुरू करेंगे किसी किसी के भी घर में बिजली का कंजम्पन कम नहीं होता ओवर टाइम बढ़ता ही चला जाता है राइट जैसे प्रॉस्पेरिटी आती है आपका घर आपकी इनकम आमदनी बढ़ रही है आप ज़्यादा खर्चा करना शुरू करते हैं अब गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा उखाड़ के फिर से नया डालने का तो वो उसमें कुछ ना कुछ छोटे छोटे रिपेयर रिपेयर करते चले जाते हैं इसलिए जो हमारे रास्ते खुदे हुए होते हैं क्योंकि वो हर तीन साल में बोलते हैं अरे यार लोगों की ना बिजली की डिमांड कम हो गया वो कस्टमर को लाइक वोटर को तो नहीं बोल सकते तुम बिजली कम कंज्यूम करो तो बैठ के ना आपके रास्ते खोदते रहते हैं बिजली की तारे डालते रहते हैं क्योंकि वो अब वो रिपेयर मोड में है पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश का अब सोलर क्या करता है सोलर आपके घरों पर आपकी फैक्ट्री वेयर हाउस बिल्डिंगों की छत पर वहीं पे पावर बना रहा है जैसे आप पानी की टंकी से पानी कंज्यूम कर रहे हैं आपको दूर पाइप से नहीं आ रहा आप, आपने अगर बोरिंग का ही पानी अगर ले लिया है ना तो आपको कहीं बड़ी बड़ी पाइपलाइन नहीं लग रही वैसे ही सोलर कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए आ, हम उस पर आएंगे कि वो बिजली एक्चुअली बनती कैसी है बट सोलर की बिगेस्ट पावर यही है कि जहाँ पे प्रोडक्शन है वहीं पे कंजम्पन है एंड इसके वजह से गवर्नमेंट को अगर बहुत पैसा नहीं डालना पड़ा वो गवर्नमेंट कहीं वो पैसा दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल सकती है मतलब जो पहले पावर जनरेशन के लिए डाल जो पावर जनरेशन के लिए डालना पड़ता था ट्रांसमिशन के लिए डालना पड़ता था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डालना पड़ता था आप सोचिए ना आ, हमारे केस में सोचिए बिहार से बिजली बिहार में बिजली बन रही है दैट इज प्रोडक्शन वहां से मुंबई तक पहुंची वो हो गया ट्रांसमिशन अब मुंबई में अलग अलग छोटे छोटे अंधेरी में पहुंचे अंधेरी से अंधेरी वेस्ट में पहुंचे मेरी बिल्डिंग में पहुंचे वो डिस्ट्रीब्यूशन लाभ बिजनेस हो गया इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सारा पैसा लगता है इसके पीछे इतना कोऑर्डिनेशन लगता है आ, वो सारा सोलर से डिसेंट्रलाइज हो रहा है आ, तो ये एक मैसेज स्ट्रेंथ है ये काम कैसे करता है इतना सिंपल क्यों है ये टेक्नोलॉजी बड़ी पुरानी है हमने जब पहली बार सेटेलाइट भेजा था सत्तर साल पहले सेटेलाइट जब गया था वो सेम सोलर की टेक्नोलॉजी आज भी है बस थोड़ी सी क्वालिटी बेटर हो रही है उसके मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सस्ती होगी बट टेक्नोलॉजी इज वेटी ओल्ड एंड अगले तीस चालीस साल भी ये बदलने आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है जो आइंस्टाइन ने बोला था कि वो ई इक्वल टू एम सी स्क्वा बोलते हैं आ, ये उसी फंडे पे सोदर चलता है तो अपने घर पे मैं अगर एक नॉर्मल घर मिडिल मिडिल क्लास फैमिली अज्यूम करते हैं भोपाल की अगर है तो उनके घर पर अगर दो सौ स्क्वायर फीट की अगर जगह है उस 200 स्क्वायर फीट में आप चार से पाँच सोलर पैनल बनाएंगे जो एक हमारा डाइनिंग टेबल होता है दो मीटर बाय एक मीटर का वो एक सोलर पैनल हुआ ऐसे चार से छः सोलर पैनल लगा दिए 200 स्क्वायर फीट में वो इतनी बिजली आपको दे सकते हैं वो आपको लगभग ढाई से साढ़े यूनिट बिजली देंगे हर महीने नॉर्मली कितनी लगती है एक घर आपका अगर बिजली का बिल कितना आ रहा है छः रुपये आठ रुपये की आपकी बिजली है आप अगर महीने में दो हज़ार तीस हज़ार की बिजली का बिल पे कर रहे हो तो आप तीन तीन सौ चार सौ यूनिट हर महीने कंज्यूम कर रहे हो ये दो स्क्वायर फीट की जगह अगर आपके छत पर है आपने वहाँ सोलर पैनल लगा दिए आपके पूरे महीने की बिजली जो आपको गवर्नमेंट से लेनी पड़ती थी वो अब हो गई जीरो इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि चलो दिन में तो बिजली बन रही है रात को क्या तो इसके लिए एक ही सपोर्ट लगता है गवर्नमेंट से वो एक पॉलिसी है उसको बोलते हैं नेट मीटरिंग जहाँ पे आपने दिन में आपको जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा बिजली बनाई और रात को आप गवर्नमेंट से बिजली ले रहे हो तो आपने गवर्नमेंट जो डिस्कॉम है जो पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपने एक बैटरी की तरह यूज़ किया दिन में एक्स्ट्रा बनाओ रात को उनसे कंज्यूम कर लो इसकी भी टेक्नोलॉजी होती है यार ये बस फंडा फिजिक्स का है कि ऊपर से मतलब जो पानी है या बिजली है वो नीचे बहेगी तो ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी लगती नहीं है इसकी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी प्रेवलेंट है बहुत सालों से गवर्नमेंट की पॉलिसी लगती है एंड uh, मैं एक इम्पोर्टेंट मोमेंट मेरी जर्नी का अगर बताऊँ हम पहले इंडस्ट्रीज़ को सोलराइज uh, करते थे हमारी गवर्नमेंट ने 2020 30 दिसंबर को एक पॉलिसी निकाली जो गेम चेंजिंग पॉलिसी थी एंड अ फर्स्ट इन द वर्ल्ड जहाँ पे ये नेट मीटरिंग जो कॉन्सेप्ट uh, है उसको हमारी गवर्नमेंट ने एक राइट right बना दिया एक कंज्यूमर राइट right बना दिया जो अगले 30-50 साल तक ना छेड़ नहीं सकते जैसे संविधान में हमारे हमें कुछ राइट्स मिलते हैं वैसे कंज्यूमर को एक नेट मीटरिंग का राइट right बना दिया क्योंकि पूरे गवर्नमेंट पे एक डिपेंडेंसी थी और आ, मुझे तब तक लगभग छः सात साल हो गए थे इंडस्ट्री में ये पॉलिसी ना हर स्टेट अपनी अपनी थोड़ी बदलती रहती थी आ, तो बिजनेसिस कंज्यूमर्स उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि डर लगा था कि यार आज मैंने पैसा डाल दिया कल क्या होगा तो एक पॉलिसी की जो एक सर्टनटी लगती है वो मिसिंग थी जैसे जिस दिन ये पॉलिसी की सर्टनटी आ गई उस दिन से मार्केट बूम हो गया मैं बता सकता हूँ कि दो तेरह से बीस में जितना सोलर लगा होगा पूरा मिलके उतना शायद से हर साल उसके बाद में लगाए क्योंकि पॉलिसी की क्लैरिटी दे दी उन्होंने तो कमिंग बैक के घर पे हमने दिन में बिजली बनाई रात को गवर्नमेंट से हमने बिजली ले ली महीने के एंड में आपको आपके बिल में ना आपने सौ यूनिट बनाए तीस यूनिट आपने खुद खा लिए सत्तर आपने भेज दिए आपके बिल में लिख के आ जाएगा एंड uh, आपको सिर्फ अगर डेफिसिट है कि मैंने तो नेट नेट दस ही यूनिट ज्यादा लिए हैं गवर्नमेंट से तो आपको सिर्फ उसके लिए पे करना है क्योंकि सोलर की वजह से इतनी ज़्यादा बिजली बनती है बनती कि आप है। भेज भी सकते हो एंड यूजुअली कमी शायद होगी नहीं आपकी सो so एक ही कंसर्न है आपकी छत कितनी बड़ी है अगर आपके पास छत है और पैसे हैं uh, तो आपका बिल तो जीरो हो सकता है अगर बारिश हो रही है और क्लाउडी मौसम है सो so, ये भी डाउट आता है लोगों को सो uh, so, बारिशों में कम बनेगी ठंड uh, में ठीक ठाक बनेगी गर्मियों में काफ़ी बनेगी बट इसलिए सोलर का परफॉर्मेंस हम एक एनुअल एक पूरे साल के पीरियड में देखते हैं और उसका एवरेज हम उसके एवरेज डिस्कशन करते हैं इंडिया तो बहुत ही ब्लेस्ड है मतलब मैं अगर आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दूँ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हर तीसरे घर पे सोलर लगा है जर्मनी में हर पाँचवें घर पर सोलर लगा है हर दसवें घर पर सोलर लगा है अमेरिका में ब्राज़ील में है सात परसेंट घर पर सोलर लगाए यहाँ पे तो उल्टा वेदर बहुत ठंडी वाले देश है ना ये यहाँ पे बहुत क्लाउडी वेदर रहता है यूरोप में आप देखें यूएस में देखें इंडिया तो बहुत ही सनी कंट्री है आ, तो यहाँ पे तो मतलब बारिशों के बावजूद भी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है इसलिए इंडिया में दुनिया की प्रॉब्लि सबसे चीपेस्ट बिजली बनती है सोलर से आ, तो इंडिया को तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है क्या हम सोलार एनर्जी बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकता एक्चुअली कर सकते हैं गवर्नमेंट ट्राई कर रही है uh, अभी तो हम खुद की रिक्वायरमेंट फुलफिल uh, कर रहे हैं बट सोलर यहाँ पे लगा के क्या हम बांग्लादेश को भेज सकते हैं क्या हम नेपाल को भेज सकते हैं बिल्कुल एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मल्टीपल गवर्नमेंट्स मिलके साथ में करने की कोशिश कर रही है कि जैसे आज यहाँ पे सुबह तो यहाँ धूप है यहाँ बिजली बन रही है हम अगर ऐसी पावर लाइंस बड़ी बड़ी मोटी मोटी पावर लाइंस कनेक्ट कर पाए जो यहाँ से दुबई जा रही हैं दुबई से यूरोप जा रही है यूरोप से अमेरिका जा रही है अमेरिका से जापान जापान से घूम के फिर से हमारे पास आ गई एक पूरा सर्कल हमने बना दिया तो धूप कहीं पर आ रही है क्योंकि हर हर जगह कहीं ना कहीं तो बारह घंटे धूप आती है बाकी जो हमारी मतलब अर्थ है वो अंधेरे में बिजली कहीं बन रही है कंज्यूम कहीं और हो रही है पूरी दुनिया इंटरकनेक्ट हो सकती है एंड ये लाइक चैलेंजेस होते ही हैं हर चीज़ में बट किसी दिन हम ये ये करेंगे एंड गवर्नमेंट से ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है हुँ. इस चीज पे छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे बट बट uh, ये होगा एंड uh, इंडिया तो मतलब अभी हाइड्रोजन जो ग्रीन हाइड्रोजन की बातें हो रही हैं सोलर की बातें हो रही है इंडिया विल बिकम अ पावर एक्सपोर्टर वेरी सुड भोपाल के शुक्ला जी के घर में जो बिजली बनती है वो कोई शेक यूज कर रहे हैं दुबई में बेसिकली yes. यस yes. पर भोपाल के शुक्ला जी के घर में बिजली कैसे बन रही है ये भी बताओ कि वो टेक्नोलॉजी होती क्या हाँ। है तो सोलर ना आपके जो किरणें आ रही हैं सूरज की उससे आप धूप हटा दीजिए जो किरणें आ रही हैं उस पर चलता है जहां पे आपके किरणें गिरी जो अंदर इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन एक्साइट ना करंट बन जाता है तो हर एक इतना छोटा सा भी आपका एक सोलर सेल है आपने देखा होगा आपने जो पुराने कैलकुलेटर होते थे जिनमें बैटरी नहीं होती थी बस धूप में लगा दो तो वो चलना शुरू होते थे आपने देखा होगा है ना सेम टेक्नोलॉजी वो बस फोटोवोल्टिक सेल सेल बोलते हैं उसको जो जो सूरज की किरणों पे चलता है वहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हो जाती है अब आप जितने पैनल लगा दो तो आपको उतनी बिजली आ, मिलेगी और ये अगर घर के कनेक्शन में आपने लगा दें जहाँ पे आपका जो मेन स्विच बोर्ड बोलते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का मीटर लगता है वहाँ पे आपको कनेक्ट करना है इट इज़ दैट सिंपल मतलब ज़्यादा लाइक एज अ कंज्यूमर ज़्यादा दिमाग लाने की ज़रूरत ही नहीं है पर कॉस्ट ऐसी क्यों है मतलब वॉट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ मैनुफैक्चरिंग सो सोलर मॉड्यूल जो है वही लगभग पचास परसेंट कॉस्ट उसकी हो जाती है आ, उसके बाद में सोलर मॉड्यूल जहाँ इलेक्ट्रॉन बैठता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जहाँ पे किरणें गिरती हैं जो एक ब्लू कलर की प्लेट लोगों ने देखी होगी अपने पड़ोसी के घर पे शायद से तो फिफ्टी परसेंट कॉस्ट उसकी है सोलर मॉड्यूल की एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 95 फाइव परसेंट जो दुनिया का प्रोडक्शन है सोलर पैनल का वो चाइना से आता है आ, और ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही खराब है आ, तो अभी सारी गवर्नमेंट सारे बिजनेसेस बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में ही हम इनफ सोलर पैनल बना पाएँ कि खुद का भी हम कंज्यूम इंटरली कर पाए और एक्सपोर्ट भी कर पाएँ मान लो अगर एनवायरमेंटल डैमेज हंड्रेड की हो रही है आज ट्वेंटी में तो अगर हर घर ने एक्चुअली सोलर अपनाया भारत में तो कितना परसेंट घटेगा पल्यूशन इफ हंड्रेड परसेंट व्हाट इट इज राइट नाउ टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट ऐसे कुछ होगा uh, मतलब सवाल में नहीं, नहीं, बट मैं, मैं मैं समझ रहा हूँ काफी बड़ा सवाल है बट uh, मेरे पास थोड़े स्टिस्टिक्स में आपको देता हूँ सो so, जो भी हमारा कार्बन फुटप्रिंट है जहाँ पे हम बेसिकली पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं कार्बन वाला ग्लोबल वार्मिंग के लिए लगभग एक चौथाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्शन की वजह से ट्वेंटी फाइव परसेंट है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जिसमें से इंडिया में जो हम लाइक like, अगर 100 यूनिट बिजली के बनते हैं तो घर कितना कंज्यूम करते हैं घर उसका 25 परसेंट कंज्यूम करते हैं तो 25 परसेंट का 25 परसेंट अगर लेने जाए तो लगभग साढ़े छः परसेंट जो है uh, ये पोल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं hmm. तो आई डोंट थिंक ये छोटी बात है बाय uh, इट्सेल्फ मतलब एंड अब सोचिए ना वापस से पैसे नहीं लग रहे है. सरकार पूरी सुविधा दे रही है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है uh, I think it's a, क्या बोलते हैं वो क्रांति में ना पहला पत्थर यही है hmm, वही मतलब एक स्टार्ट ऑफ चेंज हो जाएगा इसकी वजह से uh, उसी तरह ई भी अब आ चुके हैं एटलीस्ट अमेरिका में अब आएंगे इंडिया में तो ये दोनों जब साथ में मिलेंगे आई थिंक कि हमारे देश में बहुत बदलाव दिखेंगे दैट्स द होप हाल ही में जो बजट अनाउंस हुआ उसमें रूफ टॉप सोलराइजेशन की बात हुई थी लॉजिक क्या है इसका मतलब क्या वॉट शुड दी एंड कंज्यूमर हो सो गवर्नमेंट दो चीज़ें बोल रहे हैं उन्होंने सबसे पहले एक अच्छी चीज़ क्या कि सोलर uh, के लिए सब्सिडी बढ़ा दी एंड यहाँ पर पहली बार मैंने मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया जनरली गवर्नमेंट ना सब्सिडी घटाने की बात करती रहती है जैसे इंडस्ट्री बड़ी होती है uh, हमने फीडबैक दिया कि देखिए अमीर तो सोलर जा रहे हैं बट जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं आ, उनके लिए अभी भी इन्वेस्टमेंट महंगी पड़ रही है एंड उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और मैक्सिमम इंडिया की पॉपुलेशन तो वहीं बैठी है उन्होंने सब्सिडी बढ़ा दी तीन महीने लिए डिस्कशन में एंड आई एम श्योर मतलब ये सीधा टॉप से ही मैसेज आया क्योंकि इतना आसानी से तो बजट पास नहीं होता उन्होंने वो फीडबैक लिया एंड तेईस परसेंट सब्सिडी बढ़ा दी अब मिडिल इनकम फैमिलीज़ को ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है तो ये बजट में एक चीज़ उन्होंने डाली उन्होंने लगभग एक डेढ़ साल पहले एक वेबसाइट सिंपल सी बना दी जहाँ पे पूरे देश भर में जो भी कस्टमर है वो सोलर जाने के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है आपका जो बिजली विभाग है वो आपको यस बोल देगा अप्रूवल दे देगा वहाँ पे आप अपनी सोलर कंपनी जो भी वेंडर है उनको सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ के काम कर सकते हैं जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जबलपुर में चालीस पेपर लगते थे आप ये सोचिए मुझे जो चालीस पेपर जबलपुर में लगते थे कोई डिफरेंट चालीस पेपर मुझे भोपाल में लगते थे क्योंकि हर जगह पे बिजली विभाग अलग है कहीं पे साढ़ पेपर लग रहे तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सिंपल सी वेबसाइट बना के उसको नेशनल रूफटॉप सोलर पोर्टल बोलते हैं चीज़ें सिंपल कर दी एंड जो सब्सिडी थी आ, पहले क्या होता सरकारें बोलती थी कि सोलर कंपनी अगर सौ रुपये का प्रोजेक्ट है आ, तो अस्सी प्रतिशत गवर्नमेंट देगी सॉरी कस्टमर देगा बीस प्रतिशत गवर्नमेंट देगी बट सोलर कंपनी को देगी अब आप सोचिए सरकार से तुरंत तो पैसा नहीं आता आ, कौन सी कंपनी अपना पैसा बहुत अटकाएगी और सोलर लगाएगी तो इंडस्ट्री रुक गई थी एंड इन्होंने ये प्रॉब्लम सुनी एंड प्रॉब्लम को पलट दिया उन्होंने बोला ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट पी ने अपनी मुहिम निकाली पी का फेस लगा के उन्होंने बोला कि यार मोदी जी गारंटी करते हैं कि सब्सिडी जो है ना कस, कस्टमर आप पूरे आपके सौ रुपये सौ परसेंट भरो आप सोलर प्रोजेक्ट का बीस परसेंट तीस परसेंट जो सब्सिडी है मैं आपके अकाउंट में एक महीने में दूंगा एंड विश्वास नहीं था कि होगा नहीं होगा ये हो गया अब लोग जब सुंदर जाते हैं तो पूरा दो लाख जो है खुद से भर देते हैं चालीस हज़ार उनके अकाउंट में दस दिन से तीस दिन में आ जाते हैं सोलर पावर की वजह से गवर्नमेंट के लिए क्या फायदा है मतलब वाई आर दे बैकिंग इट सो मच लॉजिक क्या है दो तीन कारण है सबसे पहला सो मैं आ, मेरे पिछले जॉब में इंडिया के लिए बैंकर था जहाँ पे इंडिया इंडियन गवर्नमेंट को भी जब पैसा उठाना पड़ता है दूसरे देशों से तो उन्हें कुछ कमिटमेंट देने पड़ते हैं अब जो क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो इंडिया पे बहुत प्रेशर है कि आप इतना मतलब कोयला यूज़ करते हो पेट्रोल यूज़ करते हो आप क्लाइमेट चेंज में इन्वेस्ट करो हम वरना आपको पैसे नहीं देंगे हम आपको सात परसेंट पर लोन देने की जगह नौ परसेंट पर देंगे अब इंडिया की इकोनॉमी के लिए वो दो परसेंट अरबों करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर ना बहुत बड़ी बात है तो वो एक प्रेशर इंडियन गवर्नमेंट पे इन जनरल है दूसरा आ, ऐसा नहीं ना कि हर कोई मक्कार है सरकार में लोग बीस साल तीस साल आगे की सोच रहे हैं उनको पता है कि अगर आज इन्वेस्ट नहीं किया तो कल बहुत भुगतेंगे इस चीज़ में एंड uh, तो ये एक इन जनरल फॉरवर्ड लुकिंग चीज़ भी है कमर्शली अब क्यों फ़ायदा है गवर्नमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग uh, हम डाल चुके हैं उनको डिमांड क्रिएट करनी है uh, यहाँ पे एंड uh, बाकी जो भी सोर्सेज ऑफ पावर है ना कोयला है महंगाई हो रहा है इंडिया को बहुत कोयला इम्पोर्ट करना पड़ता है इंडोनेशिया कभी उठ के बोल देता है जहाँ पे बहुत कोला हम इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से सॉरी हम अभी नहीं देंगे ऐसे ही हाँ क्योंकि चाइना ने बोल दिया कि अब हम ख़रीद रहे हैं तुमसे ये जियो पॉलिटिक्स आप सोचे सडनली बिजली महंगी हो गई इन्फ्लेशन आ, आ गई आप दिस इज़ इंड एनर्जी सिक्योरिटी आपको कंट्रोल ही नहीं है आ, अगर कभी दुबई सॉरी या रशिया ने बोल दिया कि नहीं हम आपको ऑयल नहीं दे पा रहे महंगा कर दिया भले कितने भी अच्छे दोस्त वर्ग सब अपना पहला फ़ायदा देखेंगे इंडिया के बस एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है हम खुद की पावर बना के हम डिपेंडेंट नहीं है आप सोचिए ना एक, एक बार अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल ढूंढ पाए पच्चीस साल तक हमें कुछ और इन्वेस्ट नहीं करना hmm. तीन साल पाँच साल में हमारा पैसा रिकवर हो गया बीस साल की फ्री बिजली है ये सिर्फ होम ओनर के लिए नहीं है देश के लिए भी है हम डिपेंडेंट नहीं है हम चाइना पर डिपेंडेंट नहीं है हम रशिया पे सऊदी पे यूएस पे एंड फिर हमारी कंट्री एक्चुअली ब्लूम कर पाएगी सो सोलर विंड सारे जो भी मतलब हम अगर खुद की बिजली बना पाए खुद की पावर बना पाए वी विल बिकम अ मच स्ट्रॉगर नेशन एंड फिर आत्मनिर्भर भारत का लॉजिक है आत्मनिर्भर भारत मतलब एक तरह के मैन्युफैक्चरिंग करो बट हम आ, हम दबेंगे नहीं आ, जो, जो कि हम दबते थे पहले हाँ जो हम दबते थे पहले और जियो गेम है ये बेसिकली कि अगर हर घर में बिजली बनी इसका यह मतलब है कि कल अगर मान लो हाइपोथेटिकली कोई वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन हो गई और दूसरे देश हमें पावर कोयला नहीं दे पाए एटलीस्ट लोगों के घरों में तक बिजली yes. तो पहुंचेगी yes. बिजली किन किन चीजों के लिए लगती है एक घरों के लिए कमर्शियल ऑफिस फैक्ट्रीज एवरीथिंग दैट यू डू रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी आप अनाज बना रहे हो ना आपको इरीगेशन के लिए आपको पंप पंप में लगता है hmm. आ, आप फैक्ट्री में आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो माइक बना रहे हो आप, आपको इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूम कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी इज क्या बोलते हैं मतलब डायरेक्ट कोरिलेशन है आपके बिजली के कंजम्पशन का बिजली के रेट का बिजली कितने आ, उसका प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है टू ईयर जी डी और इंडिया बात बोलते हैं ना हम लोग के पाँच ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे आ, दस ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे द, सबसे पहली चीज़ जो गवर्नमेंट लिखती है भाई इतने ट्रिलियन बनाएंगे ना तो मेरी बिजली की खपत तो चार गुना दस गुना हो रही है वाह wow. मैं पहले वो क्या बनाऊँ तो सड़कें तो चलो ठीक है हर किसी को दिखती है रास्ते पर बट सबसे पहला इन्वेस्टमेंट पावर में जाता है अगर मेरे पास पावर नहीं है मैं करूँगा क्या एंड इकोनॉमी पे कैसे हेल्प पता है मैं आ, दो दिन पहले मुझे टाटा पावर के सीईओ को मिलने का मौका मिला एंडने इतना अच्छा डिस्क्राइब किया कि क्योंकि मतलब वो तो क्या वो बोलते हैं आ, नेशन बिल्डिंग आ, बहुत क्लोजली देख रहे हैं भले मेरे कॉम्प्यूटर आई एम हैप्पी टू स्पीक अबाउट इट उन्हें बोला कि यार किसी छोटे गाँव में जब बिजली और मिलने लग जाती है तो वहाँ की इकोनॉमी बढ़ जाती है किसी उनको जर्नलिस्ट ने पूछा कि यार कैसे बोला यार पहले वो आठ घंटे दिन में ही काम करते थे अब जब बिजली बन रही है तो आटा चक्की ना लंबी चल पा रही है ट्यूशन क्लास लंबे चल पा रहे हैं दुकानें ज़्यादा देर तक दुकानें चालू रख के इकोनॉमी मल्टीफोल्ड बढ़ने लग जाती है क्योंकि लोगों के पास में एवेन्यूज आ जाते हैं कि यार चलो ठीक है मेरे पास में और काम करने का ना जरिया है hmm. आ, तो पावर है इलेक्ट्रिसिटी है तो जी की ग्रोथ है Uh, मैं अंधेरे में आपको काम करने नहीं बोल सकता ना उतना सिंपल है और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यार बिजली बहुत सारी चाहिए और सस्ती चाहिए uh, अगर महंगी होगी तब भी तो आप नहीं खरीदोगे uh, तो वो ये दो चीज़ अगर हो गई तो uh, सुपर पावर एक्चुअली बनने का ना एक बहुत बड़ा पार्ट रहेगा कि हम खुद की बिजली बना रहे हैं एक और प्रैक्टिकल uh, सवाल है वो जो दो लाख का खर्चा हुआ उसके बाद भी खर्चे होते हैं मेंटेनेंस के लिए मेनटेनेंस uh, का ना बहुत uh, कम खर्चा होता है सोलर में एक सोलर की बहुत बड़ी वीकनेस है धूल uh, मिट्टी जब बैठ जाती है ना तो सोलर की परफॉर्मेंस ना तीस गुना पचास गुना पचास परसेंट तीस परसेंट पचास परसेंट कम हो जाती है और uh, जो पच्चीस साल चलने वाले सोलर सिस्टम है वो एक्चुअली तीन पाँच साल में ना सड़कें ख़त्म हो सकती है जो जो आपका सिलिकॉन uh, से जो मेन टेक्नोलॉजी आपके सोलर पैनल जो है बहुत रूबर से पच्चीस साल के लिए बनी है बट धूल मिट्टी कबूतर की बीट अगर उस पर गिरी हुई है आपने साफ नहीं किया आ, तो धीरे 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 वो सड़ने लग जाती है आ, अंदर से करना मेनटेन करना पड़ता है आपको ज़्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं है उसमें कि आपको गाड़ी की तरह रिपेयर नहीं करना पड़ रहा बट आपको धूल मिट्टी से बचाना बहुत ज़रूरी है आ, अगर ये हुआ मैंने देखा है मतलब इतना दुख होता है ना कि कस्टमर जो 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 सबसे पहले गए जो जिन्होंने महंगा सोल्डर खरीदा वो आज दुखी हैं क्योंकि उनको किसी ने यह नहीं बताया कि सोच रहे मेंटेनेंस लगती क्योंकि सोचिए ना अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है उनके लिए सबसे आसान क्या है बोलना सर खरीद लो मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती अब आप सोचिए मेरी दिक्कत ये थी निन्यानवे प्रतिशत मेरे कंप्यूटर ये बोल रहे कि मेंटेनेंस की जरूरत नहीं और मैं अकेला बेवकूफ लोग को बोल रहा हूँ नहीं सर बहुत मेंटेनेंस की जरूरत है अब बहुत नहीं बट रिलेटिवली तो ज्यादा जरूरत है मेंटेन कैसे हैं डस्टिंग करनी पड़ती है थोड़ा टेक्निकल काम होता है डस्टिंग करनी पड़ती है आपको लंबा समय चले अब देखिए अब धूप में अगर कोई भी चीज़ रखी है आपने तो उसके नट बोल्ट लूज़ हो जाते हैं आ, कहीं पे मतलब हमारी हवा केमिकल से भरी पड़ी है हम जिस पानी से साफ करते हो भी केमिकल से भरा पड़ा है वो पूरे सोलर सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है तो वो टिकेगा नहीं तो जैसे आपको गाड़ी को बार बार एक तीन महीने छः महीने में आपको रिपेयर करना पड़ता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर हम करें तो ये सोलर सिस्टम बिल्कुल चलेंगे एंड बहुत ही रिलायबल टेक्नोलॉजी है इतनी रिलायबल है कि आज मतलब पिछले दस साल से मैं सर्टिफिक दे सकता हूँ कि जितना पैसा विंड हाइड्रो न्यूक्लियर बाकी जो पावर के टेक्नोलॉजी में जितना इन्वेस्ट हो रहा है उससे वो उस सब इकट्ठा करके उससे ज़्यादा पैसा सिर्फ सोलर में इन्वेस्ट हो रहा है ये क्यों हो रहा है ये जो होशार पैसा है बड़े बड़े कंपनीज का देशों का वो सोलर में क्यों जा रहा है क्योंकि बहुत रिलायबल टेक्नोलॉजी है मैं आपको मेरा केस बताता बताऊँ मैं जब हमने जब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए सोलर लगाया तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट डे वन से साइन होता है कि इतनी बिजली बनाओगे वरना नीरज तुम पैसा भरोगे अब ये जब घर खरीदते हैं घर वाले खरीदते हैं तो आ, उनके पास वो नेगोशिएशन पावर नहीं होती टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं होती उनको फिर लोकल लोग आके बोल के चलाते हैं कि सर मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है मुझे बहुत रिस्पेक्ट है वो लोकल ऑन्टरप्रेन्योर्स के लिए मैं भी अगर उनके स्टेज पर होता शायद से मैं यही बोलता वो मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता एंड इसलिए कहीं पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को कहीं पे हमारे जैसी कंपनीज़ को वो समझाना पड़ेगा कि आपके माध्यम से कि थोड़ा सा मेंटेनेंस पर वो जो थोड़ा सा मेंटेनेंस होता है हाँ वक्त कितना लगता है उसके लिए पाँच मिनट एक महीने में हमारी टीम जाती है वो प्रॉब्ली आधे घंटे में पौने घंटे में तो हर महीने को आ, एक विज़िट करनी हर महीने एक विज़िट एक ओके okay. करनी बहुत ज़रूरी अगर 25 साल चलाना है तो ओके okay. उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा होता नहीं तो जैसे हमारे केस में हम वो हम पहले से बिल्ड करके चलते हम आ, वो खर्चा लगभग दस हज़ार पंद्रह हज़ार का आएगा हर महीने ओवर ओवर फाइव ईयर पीरियड तो आप सोचिए अगर आपका साल में पचास हज़ार खर्चा हो रहा है पचास हज़ार की सेविंग हो रही है और आपको मेंटेनेंस पे तीन हज़ार खर्चा करना पड़ रहा है ज़्यादा बड़ी बात नहीं है छः परसेंट है आ, साल का बट ये आपको पच्चीस साल आपको आपकी सिस्टम चलेगी तो ये आप मतलब कॉस्ट पहले से बिल्ड करके चले गवर्नमेंट भी बोलते हैं कि आप ये मेंटेनेंस कराएं जैसे अभी अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है धीरे धीरे बेटर होती चली जाएगी लोगों कस्टमर को अवेयरनेस बहुत लगे हमने यहाँ पर यही किया जब हमें समझ आया कि यार निन्यानवे प्रतिशत लोग बोल रहे हैं कि यार मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है बोल देंगे क्या सौ यूनिट की जगह आपको डेढ़ सौ यूनिट मिल जाएंगे सर आ, ऐसे ना थोड़े फेक प्रोमिसज हो जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में हमने एक ही चीज़ की हमने बोला अब मैं आपको ना सोलर प्लांट के लिए चार्ज नहीं करूँगा कितनी बिजली बनेगी मैं आपको उसके लिए चार्ज करूँगा और अगर बिजली कम बनी या आपको मेंटेनेंस का खर्चा आया तो मैं पैसे भरूंगा तो यहाँ पे वो वो रिस्क हटाना कस्टमर के लिए ज़रूरी था एंड अब हमारा एक ही काम है कि जो प्रॉमिस किया है ना उस पर डिलीवर करें इंजीनियरिंग वाइज आई वुड वोडूम कि अभी नेक्स्ट इनोवेशन ये होगी कि सोलर पैनल पे एक वाइपर डाल देंगे सो so, बड़े बड़े सोलर प्लांट पे ना आ जाते हैं वाइपर्स कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं छोटे घरों के लिए आ, मुझे अगले बीस साल तक भी वो दिख नहीं रहा होते क्योंकि आपको सोचिए उतना ही हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट करना है जो शायद से आपने आ, एक करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है उतनी ही इन्वेस्टमेंट आप दो लाख के सोलर सिस्टम पर नहीं करोगे तो हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थोड़ा सा सिंपल लो कॉस्ट सोल्यूशन लो टेक्नोलॉजी सोल्यूशन भी uh, काम करता है और कुछ जानना चाहिए एंड कंज्यूमर्स को इसके बारे में सुधर जाइए सोलर जाने से आज डिसीजन लेने से एक रुपया नहीं लगता दस लाख बचेंगे आई थिंक फॉर कम से कम दस लाख बचेंगे फॉर एवरी मिडिल इनकम फैमिली फिर से बोलूँगा आप फाइनेंस uh, प्रेमी हो देश प्रेमी हो पर्यावरण प्रेमी हो आपने सोलर जाना चाहिए uh, ये आपके हाथ में टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशन मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले कहा हर किसी को क्रिकेटर बनना था बचपन में नहीं बन पाए मोस्टली हम सब अगर देश के लिए कुछ करना है अब अडल्टुड में तो ये करो क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया अफेक्ट हो रही है भारत बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है देश का ख्याल रखो एंड बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड महात्मा गांधी की सेइंग है यानी कि जो चेंज आप दुनिया में देखना चाहते हो वो पहले खुद में लाओ घर पे लाओ अगर आपने खुद का घर बदल दिया खुद का दिल बदल दिया तो दुनिया भी बदलेगी बस ये कहना ओके नीरज भाई बहुत एडुकेटिव कॉन्वर्जेशन थी ये आई जस्ट विश विशूलक आप बहुत नोबल बिजनेस चला रहे हो आई थिंक ये बहुत लोगों को इस टॉपिक के बारे में जानना था बहुत टाइम से इनफैक्ट मैंने इसके बारे में 2006-2007 में पढ़ा और हमेशा खुद से ये पूछता था कि यार भारत में और सोलार पावर के स्टार्टअप्स क्यों नहीं है इनफैक्ट मेरा पहला स्टार्टअप का आइडिया सोलार पावर का था नेवर एग्जीक्यूटेड इट बट मैंने सोचा था कि हाँ इट वुड बी अ ग्रेट प्लेस टू गो डाउन क्योंकि दिस इज द फ्यूचर बट थैंक गॉड आई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा <laughs> मुश्किल है वो आज समझ आया सो अगेन हु टू योर ब्रेवरी एंड गट्स टू स्टार्ट इन ट्वेंटी फोर्टीन पार्ट ऑफ आर नेशन बिल्डिंग बट थैंक यू फॉर इनवाइटिंग नो मोस्ट वेलकम भाई आज का एपिसोडिलिटी की बातें हम करते हैं ना क्लाइमेट चेंज की बातें मैं तो चाहता हूँ कि हम और बहुत सारे एपिसोड बनाए एनवायरमेंटल स्टडीज को लेकर सस्टेनेबिलिटी को लेकर पर मेरा डाउट यह है कि क्या आप लोग सुनोगे सस्टेनेबिलिटी वाले कॉन्वर्सेशन्स क्योंकि ये थोड़े अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन होते हैं ये रियलिटी बेस्ड हकीकत बेस्ड कॉन्वर्सेशन होते हैं नॉट द इजीएसट टू कंज्यूम एंड में बस ये कहना चाहूँगा कि यार कचरा कम फैलाओ और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में ज़्यादा सीखो बिजली बचाओ ए uh, सी कम चलाओ ये जो बेसिक लाइफ फैक्टर्स होते हैं ना इन पर ध्यान दो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ आपके लाइफ के लिए नहीं पर आपके पेरेंट्स के लाइफ के लिए भी क्योंकि वो एज कर रहे हैं और आने वाले जनरेशन के लाइफ के लिए भी जब आपके बच्चे होंगे लेट्स ब्रिंग दैम इन टू अ बेटर वर्ल्ड ये है मेरी इंटेंशन अगर आप खुद को बदलोगे खुद की लाइफ को बदलोगे तब भारत भी बदलेगा और अगर भारत बदलेगा तब दुनिया बदलेगी लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस वी विल सी यू वेरी वेरी सून और हाँ नीरज भाई को उनके सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए उनकी मिशन बहुत क्लीन है बहुत नोबल है अच्छी मिशन है वो आज के अर्जुन है डेफिनेटली फॉलो हिम Definitely support the world of sustainability and renewable energy.